नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी कंपनी से गोल्ड लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी उस लोन को चुकाने में। कोई भी कंपनी एनबीएफसी हो, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, गोल्ड लोन लेने के बाद हमें उन्हें दिनों के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। यह ब्याज हम किस रकम पर देंगे, कितने ब्याज पर देंगे और कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। नंबर एक पे ये कंपनी एक साल को 360 दिनों को कैलकुलेट करती है। आम जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो यह भुलेखा होता है कि 365 दिन का होता है, लेकिन यह कंपनी कोई भी गोल्ड लोन लेने के समय हमें 365 की बजाय 360 दिनों को कैलकुलेट करती है, और चाहे वह 31 के दिन हो महीने में चाहे 30, तो 30 दिन को ही कैलकुलेट करेंगे। इसके बावजूद एक दिन हमारा लेने वाला और एक दिन जब हम ब्याज वापस करेंगे वो दिन भी काउंट होगा, यानी ब्याज हमें 28 दिन का बनता है लेकिन हम 30 दिनों का पे करते हैं। इसके बाद जब हम ब्याज लेने के लिए कंपनी के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, अगर हम 24% लेंगे तो वह 2% के हिसाब से पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।